कैलिफोर्निया के लोगों ने शुक्रवार रात को आसमान में जो नजारा देखा उसकी शुरुआत असल में 2009 में हुई थी। स्पेस स्टेशन पर कम्युनिकेशन यंत्र लगाया गया था, लेकिन साल 2020 में उसे रिटायर घोषित कर दिया गया। अब 700 पाउंड यानी 317 किलोग्राम के बेकार यंत्र को स्पेस स्टेशन पर रखकर उसका वजन तो नहीं बढ़ा सकते थे। उसे फरवरी 2020 में स्पेस स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया। स्पेस स्टेशन से निकाला गया ये कचरा 3 साल तक धरती के चारों ओर घूमता रहा। पिछले 2 साल से इसके ऑर्बिट में बदलाव आ रहा था, ये धीरे धीरे धरती के करीब आता जा रहा था। आखिरकार शुक्रवार की रात ये कैलिफोर्निया के ऊपर आसमान में आते हुए दिखाई दिया। कैलिफोर्निया के ऊपर ये यंत्र 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहे थे। ये जल रहे थे, चमकदार रोशनी फैला रहे थे। इनका 90% हिस्सा वायुमंडल में जल गया, बाकी बचे 10% हिस्से से खतरा नहीं है। असल में ये कम्युनिकेशन एंटीना था, जिसे इंटर ऑर्बिट कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सपोज्ड फैसिलिटी कहते हैं। ये एक स्पेस शटल के जरिए साल 2009 में स्पेस स्टेशन पर ले जाया गया था। धरती पर गिरते समय इसका सिर्फ 10% हिस्सा ही जमीन या पानी में गिरा होगा। एंटीना अनियंत्रित तरीके से धरती पर आया था, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। ये योसेमाइट नेशनल पार्क में ही कहीं गिरा होगा। वैसे पिछले 50 सालों से हर साल इस आकार का कोई न कोई अंतरिक्ष कचरा धरती पर गिरता ही रहता है, लेकिन ये कब और कहां होगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है।